रहम का प्यार का तेरे नूर से ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम्हारे अंदर वो है, तुम उसी का एक अंश हो। तुमने अनुभव किया है या नहीं? हमने प्रश्न पूछ लिया, क्या तुमने उस ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में किया है या नहीं? पर एक बार नहीं, खाना एक बार खाने की चीज होती है। क्या सीखा तुमने? क्या सीखा? खाना एक बार खाने की चीज होती है, पानी एक बार पीने की चीज होती है, नींद एक बार आए बस इतना ही बहुत है। तुम्हारा अगर बच्चा है तो उसको एक ही बार देखने की जरूरत है, हैं? अगर तुम अपना घर बनाओ तो उसमें एक ही बार रहने की जरूरत है, नहीं ना? खाना बार बार खाना है। सब चीज का सौदा हो गया है, सब चीज का सौदा हो गया है। तुमने ये कर लिया, तुमने ये पा लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, पर किया क्या? अगर उस असली चीज का तुमने अनुभव नहीं किया अपने जीवन में तो क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम्हारा यहां आना न आना बराबर है। जिन पदार्थों के तुम बने हो वो पदार्थ कहीं नहीं जाने वाले। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। ये जो जोड़ हुआ है उनका और अविनाशी का, नाशवान और अविनाशी का, ये हो तुम। और जब तक तुम जीवित हो तो तुम उस चीज का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। प्रश्न है, किया है या नहीं? किसका अनुभव करना है? कल्पित ईश्वर का या असली ईश्वर का? सच में कल्पित से काम नहीं चलेगा? अब तक तो चलते आया है, हैं? नहीं चलते आया है, नहीं चलते आया है। रवि भी जैसे इसने कहा चल रहा है। कल्पित कल्पना, जीवन कल्पना, परमात्मा कल्पना,
या साक्षात? सबने कहा नहीं कहा साक्षात, थोड़े से लोगों ने कहा साक्षात। नहीं, अब मेरे कहने के बाद तुम कहोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? है ना? देखो भाई, बात यह होती है कि तुम कहीं गए, किसी ने तुमको दावत दी, उसके घर गए, तुमको प्यास लगी है, बहुत जोर से प्यास लगी है, तो जिसने तुमको दावत पे बुलाया, अगर वो तुमको न पूछे कि पानी चाहिए या नहीं, तो तुम पानी नहीं पियोगे। वो न भी पूछे तो तुम तो पूछ लोगे, पानी एक ग्लास, नहीं? पर ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बात ये है कि क्या तुमको प्यास लगी है या नहीं। बिना प्यास के पानी की कदर तुम जाने नहीं पाओगे। तुम अगर उस अविनाशी का दर्शन इसलिए करना चाहते हो ताकि उसके बाद तुम्हारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएं, तो तुम्हारे टायर में अभी भी पंक्चर है। सबसे बड़ी बात सुनोगे? सुख का आना और दुख का जाना, इन दो चीजों में कोई संबंध है? क्योंकि बैठे बैठे सोच रहे हो तुम कि दुख चले जाएगा तभी तो सुख आएगा, और जब सुख आ गया तो फिर दुख की क्या जरूरत है? दुख चले जाएगा अपने आप ही, नहीं? क्या जी? और अगर मैं तुमको कहूं कि सुख का आना और दुख का जाना इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, सारा माहौल दुखी हो सकता है फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। क्या समझे? हैं? ऐसे ही बात तुमने पहले नहीं सुनी होगी, ये वही वाली बात होगी, ये क्या कह रहे हैं, हमने तो ये नहीं सुना है। हम तो यही गाते हैं ना आरती में, हमारे दुख हर लो। चेतन अमल सहज सुख राशि, दुख की बात नहीं कही, सुख की बात कही। तुम समझते हो कि तुम्हारी
जीवन के अंदर जो परिस्थितियां हैं अगर ये बदल जाएं तो तुम सुखी हो जाओगे। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो क्या ये संभव है कि जो भी दुख की परिस्थिति हो उस परिस्थिति में होने के बावजूद भी तुम सुखी हो सकते हो? बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात के लिए हाँ कर दिया तुमने, बहुत ही बड़ी बात के लिए हाँ कर दिया। अब अगर इसके बारे में थोड़ा भी सोचो तो ये सोचना पड़ेगा कि सुखी होना कितना सुलभ है, कितना सरल है। मुझे ये सारी चीजें बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सारी चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। अर्थात रात्रि में है अंधेरा क्योंकि सूरज ढल गया है, बत्तियां अभी ऑन नहीं है, चालू नहीं है, अंधेरा है। अगर जेब में फ्लैश लाइट है, टॉर्च है, तो उसको निकालो, चालू करो और उजाला पाओ। बैठ करके तुम भगवान सूर्य को कहो जल्दी से उदय हो जाइए, जल्दी से उदय हो जाइए, जल्दी से उदय हो जाइए, उससे कुछ नहीं होगा। यही हमारी चूक रहती है। जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे दुखों को हरो, ये नहीं कि सुख को हमारे साथ हमारे पास लाओ, क्योंकि सुख का झील, सुख का कुआं तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा है। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी से लाने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। अर्जुन ने तो साफ कह दिया था मैं नहीं लड़ूंगा। आज जो बड़े बड़े शांति के दूत बने हुए हैं उनको समझा के कहो कि अर्जुन ने तो कह दिया था मैं नहीं लड़ूंगा। तुम कहते हो लड़ाई न होना शांति है, तो अर्जुन ने तो कह दिया था मैं नहीं लड़ूंगा, तो काय के लिए पड़े भगवान कृष्ण उसके पीछे? वो तो अच्छी बात है पड़े, क्योंकि वहां से फिर गीता निकली। नहीं पढ़ते उसके पीछे तो फिर गीता नहीं होती, पर पड़े उसके पीछे नहीं लड़ो। कर्म छोड़ दे, तू फल की आशा छोड़ दे। तुम फल की आशा छोड़ने के लिए तैयार हो? बहुत कम लोग। तुम आइसक्रीम टेस्ट कर रहे हो आइसक्रीम मुंह में जाने से पहले, करते हो या नहीं? अगर क्या कहते हैं चम्मच में आइसक्रीम है और उसको तुम मुंह में डालने वाले हो, अभी डाली नहीं है और पहले ही ख्याल क्या है कि वो मीठी होगी और ठंडी होगी, नहीं अभी टेस्ट नहीं किए परंतु पहले ही कल्पना उसकी हो चुकी है क्या फल होगा, तो मिठास आएगी मुंह में, ठंडाई आएगी मुंह में, कितना अच्छा रहेगा। और अगर मैं ज़्यादा बात करूं आइसक्रीम की तो अगली बार आइसक्रीम की दुकानें खोलनी पड़ेंगी।
परंतु ये सारी चीजें जो तुम करते हो, ये तो मैं सिर्फ आइसक्रीम की बात की मैंने। जब खाने के लिए बैठते हो तो यही होता है ना, पहले ही चखने लगते हो, सूंघते हो, सब चालू हो जाता है, मुंह में पानी आने लगता है। ये हाल है मनुष्य का। चेतन का सवाल ही नहीं रहा। चेतन, चेतन का मतलब है कॉन्शियस। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन सवाल ही नहीं रहा। लगे हुए हैं लोग किसी भी, जब सब के साथ वही हाल है जैसे कोलू का बैल, सारे दिन चक्कर काटता रहता है। तुम का क्या हो, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, यहां से तुमको एक दिन जाना है। अब ये भी जब बात कहूं मैं तो ये भी बड़ी अजीब बात है, कहने के लिए भी अजीब बात है, क्योंकि कई लोग हैं जो काफी उम्र के हो गए, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो जो दूसरी दीवार है ना, एक दीवार से तो यहां आए और एक दूसरी दीवार है जिसमें जाना है, तो जब उसके ज्यादा करीब आ जाते हैं तो सूंघ सकते हैं उसको। असली में नहीं, पर ऐसा लगता है कि सूंघ रहे हैं। अब क्या काम आएगा, कुछ नहीं। जब वो समय आएगा, जब तुम्हारा आखिरी समय आएगा, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? और जो जवान लोग हैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, उनके लिए तो है तो बहुत साल पड़े हैं। ये समय इतना जल्दी आता है कि पूछो मत। मतलब कहां चले गए सारे साल? ऐसा लगता है कि अभी तो चालू किया है, अभी तो ये संदेश ले जाना लोगों तक चालू किया है, और कोई मैं हो गया 65 साल का। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मेरा जन्मदिन जब हरिद्वार में मनाया गया, विदेश से प्रेमी लोग आए हुए थे, जब मैं 16 साल का हुआ तब क्या कहते हैं वहाँ लॉस एंजलिस में मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई। तो समय चले जाता है, क्या रह जाता है, एक इच्छा कि इस संदेश को मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। सब कुछ बदल गया है मेरे जीवन में, पर वो इच्छा मेरी अभी नहीं बदली है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिन जिन लोगों के जीवन में इस चीज का असर पड़ा है उनकी सारी जिंदगी बदल गई। अब वो आइसक्रीम अपनी कल्पना से टेस्ट नहीं करते हैं, असली आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं। असली आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं।
अब वो बात जो समझने की है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझे बिन न जाए बखानी। खुद समझने की कोशिश करते हैं, खुद जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बात सिर्फ जिज्ञासुओं तक सीमित नहीं रही, जेलों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, पुलिस, मिलिट्री, वेटरन्स जो क्या कहते हैं गल्फ से वापस आए, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में लोगों के जीवन बदल गए। और जैसे उनके बदल गए हैं तुम्हारे भी बदलने चाहिए। हर रोज तुम्हारे जीवन में खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब तुम सवेरे सवेरे उठते हो तो अच्छा क्या होगा इस पे तुम्हारा ध्यान जाता है, या बुरा क्या होगा इस पे तुम्हारा ध्यान जाता है। कहीं जाना है, कहीं बस न, बस न छूट जाए, इस बात का ध्यान करते हो, या हम बस में बैठ के जाएंगे इसका ध्यान करते हो, हम हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे मौज करेंगे ना, हवाई जहाज कहीं छूट ना जाए। घड़ी काहे के लिए देखते हो, काहे के लिए देखते हो? घड़ी दो चीज बताती है, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम चल दिया है, ठीक है ना। तुम काहे के लिए देखते हो घड़ी? वैसे तो घड़ी बताती है कि टाइम क्या है, नहीं?
परंतु जो जब तुम देखते हो घड़ी, काय के लिए देखते हो, कितना टाइम बचा है या कितना टाइम चले गया है? ये परिस्थितियों पे कई बार ये देखते हो कि कितना टाइम बचा है, कितना, जब तुम टेस्ट ले रहे होते हो तो कितना टाइम बचा है है ना? और जब इच्छा होती है स्कूल से जाने की घर वापस, तो कितना टाइम बीत गया, तो अब बीत गया, तो हाँ थोड़ा सा ही टाइम रह गया। ध्यान कहाँ है? सच्चिदानंद में ध्यान, आनंद में ध्यान है, सत्य में ध्यान है, चेतना में ध्यान है या नहीं? या लगे हुए हैं ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये बात है, वो बात है, वहाँ उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। ध्यान वहां दो जहां ध्यान होना चाहिए, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तब चीजें बदलेंगी, तब तुम अपने पैरों पे खड़ा होना सीखोगे। किसी और की तुमको अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी। तुम अप्रूवल करो, ये करो, वो करो। तुमको अगर हाल में ही ज्ञान हुआ है, मेरी बात पे अमल करो। तुमको बहुत पहले ज्ञान हुआ है, मेरी बात पे अमल करो। तुम जवान हो, मेरी बात पे अमल करो। तुम बूढ़े हो, मेरी बात पे अमल करो। मैं तुम्हारे भले के लिए ये बात कर रहा हूं। ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर तुम उस राशि में धनवान हो जाओ जिस राशि से तुम्हारे जीवन में असली सुख आएगा। सोचो मेरी बात को, सोचो मेरी बात को कि सुख लाने के लिए दुख का जाना जरूरी नहीं है। ये कैसे संभव है? है है और ये एक ऐसी चीज है जो लोग इस दुनिया के अंदर नहीं जानते, पड़े हुए हैं सब, पड़े हुए हैं सब। अभी हाल की बात है, किसी ने मेरे को कहा कि जी फला फला, उनको मैं जानता हूं, तो उन्होंने कहा कि हमारा लिवर खराब हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि नया लिवर लगाना पड़ेगा और इतने पैसे तो हमारे पास नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने ये नहीं कहा कि हम लगवा देंगे ना, मैंने ये भी नहीं कहा कि हम ठीक करवा देंगे। मैंने क्या कहा मालूम करते हैं, एक आदमी ने कह दिया, क्या बड़ी बात है? मालूम करते हैं,
सारी उसकी टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने इकट्ठे की और वो सारी रिपोर्ट विदेश भेजी। विदेश में डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट देखी, कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, इनको क्या कहते हैं नया लीवर की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अपना वज़न कम करें और क्या कहते हैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, सब ठीक हो जाएगा। ये खबर उन तक पहुंची, लिवर वही है, दुख गया नहीं पर कुछ बदल गया। क्या बदल गया? इतला जो खबर मिली थी वो गलत खबर थी। हमने उन तक सही खबर पहुंचा दी। सही खबर क्या है? तुम मनुष्य हो, जीते जागते मनुष्य हो, तुम्हारे लिए सही खबर क्या है? इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है, ये है तुम्हारी खुश खबरी। अब जरा बैठे हो तो जरा मालूम कर लो, आ रहा है जा रहा है, नहीं आ रहा है जा रहा है, आ रहा है खुशखबरी है नहीं है? है तो खुशखबरी दे दी, तुम ऐसी खुशखबरी दे दी, इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती, तुम्हारे लिए तो हो ही नहीं सकती। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, स्पष्ट बात है, स्पष्ट। तो चीजों का जो सामना करना है तुमने, सामना करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को हमने सामना करना सिखाया, बस उसकी सारी रिपोर्ट इकट्ठा की, भेजा, डॉक्टरों ने वहां देगा ना, अब लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी तो मनुष्य है और दो टाइम की रोटी तुम्हीं से आती है। अगर डॉक्टर ये कहना शुरू कर दे कि तुमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम तो सब ठीक हो, मेरे घर जाओ मौज करो, तो कौन देगा उसको पैसे, कहाँ की खाएगा वो? तो हिंदुस्तान में तो लोग मनुष्य डॉक्टरों को मनुष्य की तरह नहीं देखते ना, भगवान की तरह देखते हैं। और भगवान क्या कर रहा है, भगवान क्या कर रहा है? वो जो डॉक्टर जीवित है वो किसकी बल पर जीवित है? गोली खा खा के ना, वो भी उसी चीज के ऊपर जीवित है जो तुम्हारे अंदर चल रही है। लोग भूल जाते हैं, पहला डॉक्टर तो तुम्हारा शरीर है, 12 घंटे 24 घंटे बल्कि वो देखता रहता है कहीं कोई खराबी तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, अगर खराबी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, और करता है। सबसे बढ़िया डॉक्टर तो वो है। जब वो काम ना करे किसी वजह से,
तब डॉक्टर के पास जाओ, गोली खाओ, इंजेक्शन लो, जो कुछ भी है। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर गलत हैं, डॉक्टर सही हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब। परंतु ये याद रखना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो परेशान होने की बात नहीं है, दूसरे से पूछ लो, तीसरे से पूछ लो, चौथे से पूछ लो। तो अपने जीवन के अंदर ध्यान तुम्हारा कहाँ होना चाहिए? ध्यान तुम्हारा होना चाहिए उस जगह जो सुख और शांति का स्रोत है, जो तुमको ज्ञान मिला है वो इसीलिए मिला है, उसका अभ्यास करो। सेवा, सत्संग और भजन, और इनको, इन बातों को जब समझोगे तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। सबसे पहले मैं सबसे यही कहता हूं, लोग कहते हैं जी हमको क्या करना चाहिए, अरे भाई सबसे पहले भजन अभ्यास करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, आनंद लो। सबसे पहले आनंद लो और फिर जो कुछ करना है होगा। पर तुम अपने जीवन के अंदर ये कभी मत भूल जाना कि तुमको आनंद की जरूरत है। तुम क्यों आए हमारे पास? ज्ञान के लिए, उस आनंद के लिए, और उससे अपने जीवन को पूरी तरीके से पहले भरो। दरिया है तू रहम का, प्यार का, तेरे नूर से ही है मुकम्मल जहां। तू ही सुन ज्ञान, जिसकी सचमुच में मनुष्य को खोज है, जिसके अभाव के कारण मनुष्य सचमुच में भटकता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी कर ले, फिर भी वो मनुष्य उसी ज्ञान के अभाव से भटकता है। एक तरफ वो चीज, एक तरफ गुरु महाराज जो बिना स्वार्थ के, उनको कुछ नहीं चाहिए, बिना स्वार्थ के आके वो असली ज्ञान देते हैं। क्यों? ताकि इस जिंदगी में हम लोगों को आनंद मिले। तो एक तरफ वो चीज, एक तरफ वो प्यार, एक तरफ वो जिसको सचमुच में केयर कहते हैं, वो केयर, वो फीलिंग कि आए बिना स्वार्थ के, बिना किसी चीज के वो ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान जिसके अभाव में मनुष्य भटकता है। उन दो प्यारों को, उन दो चीजों को लेकर के हम कितना समय सचमुच में अपनी जिंदगी में खर्च करते हैं। और प्यार अगर मिलता है तो वहीं से मिलता है, क्योंकि वो किसी बिना बात का प्यार है। वो प्यार असली है, वो प्यार हमेशा है, वो प्यार ऐसा है कि अगर जिंदगी में एक बार वो प्यार मिल गया तो जिंदगी बिना उस प्यार के आगे चलती नहीं है। चाहे हमने देखा है कि कितने भी लोग चलाने की कोशिश भी करते हैं बाद में, परंतु आगे चलती नहीं, भटकते हैं लोग। तो वो जो असली चीज है वो हम लोगों के पास है,
उस चीज को समझना, उस चीज पे गौर करना, उस चीज को हृदय तक लेना। ज्ञान को हृदय तक लेना, गुरु महाराज जी के प्यार को हृदय तक लेना। कहां कहां तक गुरु महाराज जी की महिमा गाई है, क्यों गाई है? वो इसीलिए गाई है कि वो बार बार जिसको सचमुच में कहते हैं बचाना, उस चीज से बचाना, उस चीज से बचाना कि वो आव भाव, उस चीज से बचाना जिससे कि मनुष्य का नाश हो। क्योंकि नाश के लिए बमों की जरूरत नहीं है भाई। मनुष्य एक ऐसी चीज है कि वो चाहे तो अपना नाश वो बिना बमों के भी कर सकता है। मनुष्य एक ऐसी चीज है कि उसको बम की जरूरत नहीं है, नाश ही करना है तो वो अपने आप कर सकता है, और पता नहीं कितने बार करता भी। ऐसे प्रेम को छोड़ के, ऐसे अनुभव को छोड़ के, ऐसी ज्ञान की चीज को छोड़ के चाहे हम कहीं भी लग जाएं, अभाव हमारी जिंदगी में हमेशा का हमेशा बना रहेगा। समय यही है, और सचमुच में इस हृदय की भी पूजा की जाए, इस हृदय को भी खोला जाए। और हृदय को चाहिए सिर्फ वो असली प्यार, और आगे पीछे कुछ नहीं। तो मौका है, इसका आप लोग लाभ उठाएं, आनंद लें। इसी में सब लोगों की वाह वाह है, सब लोगों को मेरा द्वार से।